हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और आज हम यहाँ पे 2015 का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा स्टूडेंट्स 241। सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, राइट। तो पढ़ो फिर क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो। कहते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वन सेकेंड, 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ टू चैम्बर एक्सेप्ट। सी हियर स्टूडेंट, इवन आज भी अगर आप स्टेट्स में देखो तो कई स्टेट्स के अंदर क्या है स्टूडेंट, एक तो होती है हमारी स्टेट असेंबली। क्या होती है स्टूडेंट्स? एक होती है स्टेट असेंबली, राइट, और एक होती है स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मतलब कि दो हाउसेज होते हैं स्टूडेंट, एक हमारा असेंबली और एक हमारे काउंसिल्स, ठीक है। ये कई स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट काउंसिल को जो है उसको खत्म कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है, ठीक है, बाय सर स्टेट गवर्नमेंट। कईयों में आज भी काउंसिल है, जैसे कि बिहार है, उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, उसमें दो हाउसेज हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर और दूसरा हमारा काउंसिल। जैसे हमारे पार्लियामेंट में दो हमारे हाउसेज हैं, एक हमारा लोकसभा और एक हमारा राज्यसभा, है ना। लोकसभा में जो हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो जाते हैं, और राज्यसभा में हमारे 6 ईयर्स तक मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, जो इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो इसमें से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन से में है, एक्सेप्ट किस में नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट किस में नहीं है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बाकी सब में है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो किस में नहीं है? पंजाब, ठीक है, पंजाब के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बाकी सारों में है। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर, दो चैम्बर हैं, ठीक है, आसाम में, बिहार में, मद्रास में, इन तीनों में हैं, लेकिन पंजाब में नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। तो सी हर स्टूडेंट, अच्छा ये फिर से हो गया, ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है ना, बट कोई ना, हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट सी, क्वेश्चन नंबर पे थे हम 42 हो गया हमारा, है ना, 43 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो पढ़ो फिर क्वेश्चन। अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन किया ना हमने अभी, वन सेकेंड, हाँ 42 नंबर किया हमने, 41 किया स्टूडेंट, 42 नहीं किया, तो 42 कीजिए। हाँ जी, पढ़ो फिर क्वेश्चन को। कहता है हिमाचल प्रदेश होस्टेड द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2015। सी हियर स्टूडेंट, दिस इज द करंट अफेयर क्वेश्चन, उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। तो स्टूडेंट पंजाब पीसीएस के लिए ना करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30 to 40% पेपर जो है वो करंट ओरिएंटेड पेपर होता है। सो दैट्स वाई करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है स्टूडेंट कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में करंट अफेयर नहीं पढ़ने, जैसे यूपीएससी में पढ़ते हैं, नहीं वैसे नहीं, आप ओवरऑल एक अवेयरनेस रखिए। और उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है स्टूडेंट एक न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पे ध्यान रखिए, जो भी उसमें से रेलिवेंट रीजनल या नेशनल करंट अफेयर है उसको आप निकाल लो, ठीक है, ओके। उसमें से ऐसा नहीं है कि भाई आप रोज बैठ के धड़ाधड़ नोट्स बना रहे हो, कॉपी में कॉपी उसके नोट कर रहे हो, नहीं वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो आप जो है उसको ढंग से उसको प्रिपेयर बना सकते हो बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, तो उसमें से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर इज़ अ ऑथेंटिक सोर्स, बिलीव मी स्टूडेंट, किसी मैगजीन को पढ़ने से या किसी कोचिंग सेंटर के कोई भी ऐसी एरा गैरा कोई भी नोट्स उठा लेने से बेटर है कि अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है, बिकॉज उससे अच्छा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं प्रोवाइड करता आपको। अगर आप डेली बेसिस पे उसको ध्यान से पढ़ोगे तो भी आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और रही बात, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है स्टूडेंट कि स्पोर्ट्स से
स्पोर्ट्स इवेंट्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा खासा पूछा जा रहा है पंजाब पीसीएस के अंदर। सो प्लीज़ रिमेंबर माय वर्ड्स कि आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से करने हैं, और उसका आप एक दो सोर्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको नहीं पता किसी न्यूज़पेपर के बारे में, देन डू कमेंट स्टूडेंट, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है जी। ओके हाँ जी, तो बात करते हैं। कहता 31 अक्टूबर 2015 अंडर द एजिस ऑफ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन इन व्हाट, तो कहाँ पे हुई हमारी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, कहाँ पे होता है बताओ भाई। तो कहाँ पे हुई थी, कांगड़ा वैली के अंदर, ठीक है। कांगड़ा वैली के अंदर हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, हमारी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2015 होती है, ठीक है जी। ओके लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी 43 नंबर क्वेश्चन कीजिए, तो पढ़ो। कहता था वर्ल्ड स्पैरो डे वाज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 20 मार्च 2015 विद द थीम ऑफ व्हाट, तो क्या थीम था भाई जब 2015 में स्पैरो डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई स्पैरो डे, वैसे सोचने वाली बात है। सीयर स्टूडेंट, किसी भी फूड चेन को यू नो बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए हर एक एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, चाहे फिर वो इंसेक्ट ही क्यों नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीयर स्टूडेंट, नेचर ने कोई चीज़ फालतू नहीं बनाई। अगर आपको लगता है ना कि मैं फालतू हूँ तो आप गलत हो, ठीक है। नेचर ने हर चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई है, उसकी नेचर को नीड है इसलिए उसने बनाई है, ठीक है। इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बनाया, ना कि इसको बर्बाद करने के लिए बनाया, ठीक है। तो स्पैरोज जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो पोलिनेशन करने में, जितना भी हमारा दुनिया का अनाज है, जो अलग अलग वेराइटीज़ हमें जो मिलती हैं फूड की, वेजिटेबल्स की, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबली बर्ड्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स एक जगह से फ्रूट दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, एक जगह से सीड दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, है ना, उनको खा लेते हैं वो, राइट। तो उनको कैरी करते हैं वो, तो इसकी वजह से हर पूरी दुनिया में अलग अलग वेराइटीज़ ग्रो करती हैं, ठीक है। तो स्पैरो को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसीलिए स्पैरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, एक बार चाइना में क्या हुआ ना, वहाँ पर फूड क्राइसिस आई। तो वही होता है ना, कहते हैं जब लोगों का वो नहीं होता ना, मतलब ऐसा है कि एजुकेशन जो है ना, वो मैं ऐसा नहीं बोलती कि वो मेयर एक जॉब के लिए या फिर नहीं, वो आपको एक अवेयर भी करवाती, राइट। वो आपको गलत क्या है, सही क्या, उसके बारे में भी बताती। आप ये जो पढ़ रहे हो ना, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर जॉब पर्पज़ स्टूडेंट। ये जो एजुकेशन आप ले रहे हो ना, इसका ये भी पर्पज़ है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो, अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, सब लोग अगर एक रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप एक बार के लिए रुक कर सोचो कि क्या ये सही है। तो मैं आपको एक चाइना की यहाँ पे स्टोरी बताती हूँ। चाइना में क्या हुआ, हंगर चल रहा था बहुत ज़्यादा, भुखमरी का था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे पता नहीं किस महान आदमी ने ये बोल दिया कि जो स्पैरोज़ हैं वो पूरे साल में इतना टन जो है वो अनाज खा जाती हैं, ठीक है। आपको पता है खेतों के अंदर जो स्पैरोज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, वो कितना सारा अनाज चुगते हैं ना, है ना, वो लेके जाते हैं। तो किसी ने बोला कि अगर हम सारी स्पैरोज ख़त्म कर दें ना, तो हमारे पास कितना सारा टन्स ऑफ फूड जो है, मतलब टन्स ऑफ जो सीरियल्स हैं वो बच जाएंगे। तो लोगों ने स्पैरो को मारना शुरू कर दिया, और लैक्स ऑफ लैक्स, पता नहीं कितनी दिन के अंदर स्पैरोज को मार दिया गया। आप नेट पे सर्च करना स्टूडेंट, ठीक है, चाइना के अंदर स्पैरोज को मारा गया, आप नेट पे सर्च करना स्टूडेंट्स, आपको वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर मिल जाएगी। और उसके बाद स्टूडेंट, फूड बचाने के चक्कर में इतना बड़ा क्राइसिस आया चाइना के अंदर कि लैक्स ऑफ लैक्स लोग जो थे वो भुखमरी से मर गए, हंगर क्राइसिस आ गया कि बहुत बड़ा। कहते हैं दुनिया का वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट हंगर क्राइसिस था ये, भुखमरी फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि इतनी सारी स्पैरोस मारने के बाद बर्ड जो इकोसिस्टम को बैलेंस करके है ना, जिसकी वजह से सीड्स ग्रो कर रहे हैं हर जगह पे, वो ग्रो ही नहीं किए, है ना। सो दिस इज़ द यही पर्पज़ होता है, हम जो इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, हम जो भी करते हैं, हम
वो इसलिए करते हैं स्टूडेंट सो दैट हम इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं। अभी आप देखो कि लोग जो हैं वो पटाखे चलाते हैं ना, चलो थोड़ा समझ में आता है, छोटे बच्चे थोड़ा शौक होता है। कई लोग पूरी पूरी रात कंपटीशन करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि दो घरों के बीच में कंपटीशन चल रहा है पटाखों का, और वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार हमारी वजह से जो हमारा एंटरटेनमेंट है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कितना नुकसान हो गया, कितना पोल्यूशन हो गया। इसके बजाय हम लोग यू नो एक ह्यूमैनिटी के नाम पे हम लोग दान भी तो कर सकते हैं, है ना, हम लाइट्स लगा के, नेचुरल लाइट लगा के भी तो हम बैठ ही सकते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट कर ही सकते हैं, राइट। तो फेस्टिवल जो होता है ना स्टूडेंट, वो एक ह्यूमैनिटी का, एक पॉजिटिविटी का, यू नो एक लव का वो मैसेज देता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो, तो वर्ल्ड स्पैरो डे जो हमारा 2015 था उसका थीम था आई लव स्पैरोज, उसका जो थीम था दैट इज़ द आई लव स्पैरोज, तो ये उसका थीम है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अभी मेरे से पूछोगे कि मैम हर बार जो जितनी भी यू नो वर्ल्ड डे मनाए जाते हैं उनका थीम रखना मतलब याद रखना इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अगर आपको कोई ध्यान आ जाए, है ना, कि हाँ जी ये इम्पॉर्टेंट है या ये चीज़ मुझे याद रखनी है, अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, ज़्यादा टेंशन या लोड नहीं लेना आपको, ठीक है, ज़्यादा टेंशन या फिर लोड नहीं लेना उस चीज़ को। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच सर्च इंजन लॉन्च्ड इट्स फ्लाइट सर्च टूल इन इंडिया ऑन 13th जून 2015 दैट अलाउज यूजर्स टू फाइंड एंड कंपेयर एयर फेयर्स ऑनलाइन एंड बुक और टिकट डायरेक्टली, ठीक है। तो कौन थे भाई जिन्होंने लॉन्च किया सर्च इंजन को, इन्होंने किया था, गूगल ने किया था, ठीक है, गूगल ने ही सर्च किया था स्टूडेंट, ठीक है, गूगल ने सर्च किया था, ठीक है, एक ऐसा सर्च इंजन बनाया, लॉन्च किया, सो दैट आपको पहले से ही आप क्या कर सको, अलग अलग एयर फेयर्स को क्या कर सको, कंपेयर कर सको ऑनलाइन और अपनी टिकट डायरेक्टली बुक कर सको। ये 2015 की है, ठीक है, करंट न्यूज़ है, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसकी, ठीक है। आगे समझते हैं, द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड 2015 वाज वॉन बाय व्हाट, किसने अवार्ड विन किया बताओ जी। हाँ जी, किसने किया था, किसने किया स्टूडेंट, महाराष्ट्र ने किया था, किसने किया था स्टूडेंट, महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट 246 का आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, कहता है नेम द नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी दैट वाज शट डाउन ऑन 11th जनवरी 2014 फॉर वन वीक आफ्टर 47 माइग्रेटरी बर्ड वाज फाउंड डेड इन द पार्क ऑफ व्हाट। माइग्रेटरी बर्ड जो मतलब कि जो बाहर से माइग्रेट करके आते हैं। सी यार स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब सीजन्स चेंज होते हैं, है ना, जैसे अभी जो है अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है यहाँ पे बहुत सारा, है ना, सर्दियों का अच्छा अच्छा सीज़न आ रहा है, राइट, थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाएगा काफ़ी, है ना, जनवरी फरवरी में तो थोड़ा काफ़ी लो हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, जो हमारी ऊपर वाली कंट्रीज़ है, ऊपर मतलब साइबेरियन रीजन जो है, वहाँ पर टेम्परेचर इतना हार्श हो जाता है कि वहाँ से जो बर्ड्स है वो माइग्रेट कर करके कहाँ पर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 47 माइग्रेटरी बर्ड्स जब डेथ हो गई तो किसको शट डाउन किया था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को शट डाउन किया गया था, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन हरियाणा, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 47। हाँ जी, कहता है नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 12th जनवरी कमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस इंडियन पर्सनैलिटी, कौन से फेमस इंडियन पर्सनैलिटी को कमोमरेट करती है 12 जनवरी, किसको करती है बताओ जी। हाँ जी, पॉज लो और फिर आंसर करो, किसको करती है 12 जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है फेमस इन, दैट इज स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद माई वन ऑफ द फेवरेट
पर्सनैलिटी हैं ये इंडिया की, एंड माई फेवरेट ऑल्सो. ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं. इतने सेकुलर और इतने अवेयर पर्सन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे. इनकी बुक है, स्टूडेंट आपको भी पढ़नी चाहिए, है ना, कि नॉलेज के अंदर कितनी पावर होती है ना, ये बात आपको इनकी बुक पढ़ के समझ में आएगी. ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद. ठीक है, तो नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन. हाँ जी, 48 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे हम. कहता है, नेम द स्पेस टेलीस्कोप दैट 6 जनवरी 2015 डिस्कवर्ड द 1000 एक्सोप्लैनेट इन कंस्टेलेशन लायरा. हाँ जी, किसने डिस्कवर किया उस स्पेस टेलीस्कोप का, आपको नाम बताना है स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन में. दैट इज कैपलर, दैट इज द कैपलर. ठीक है, कैपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है ना, उसने 1000 जो हमारा एक्सोप्लैनेट्स है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था. किसमें? इन कंस्टेलेशन लायरा. ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है स्टूडेंट. ठीक है जी, ओके ओके. तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं इस सेशन को करती हूँ यहाँ पे ओवर. बट बिफोर दैट आई वांट टू अनाउंस समथिंग एल्स. ठीक है, दैट इज़ कि हमारा PCS का, पंजाब सिविल सर्विसेज का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है स्टूडेंट. ठीक है, ऑलरेडी लॉन्च है स्टूडेंट ये बैच हमारा. राइट, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों अवेलेबल है. इवन हमारे लाइव लेक्चर भी चलते हैं, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड को ऑप्ट करेंगे. तो स्टूडेंट फटाफट से आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस बैच के लिए यू नो रजिस्टर कर सकते हो. ठीक है, और अपने PCS ऑफिसर बनने का जो सपना है, जो ड्रीम है या जो गोल है, वो आप पूरा कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज. राइट स्टूडेंट, और इसी के साथ स्टूडेंट हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स. ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. ठीक है, दिवाली के लिए. ठीक है, और दिवाली जो है वो एक लाइट्स का फेस्टिवल है स्टूडेंट. ठीक है, तो पटाखे नहीं चलाने आपको. राइट, और पॉजिटिविटी के साथ स्टूडेंट. राइट, और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो स्टूडेंट. जो भी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकती है, उनको आप रोकिए. ठीक है, उन पे आप काम कीजिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आइए. ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर करती हूँ. थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.